इस किट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमें इसके अंदर माइक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि हम इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं विद ओनली वन सिंगल वायर। हाई, आई एम पार्थ सैनी, अ ड्रमर फ्रॉम इंडिया। सो आज हम बात करने वाले हैं रोलैंड TD-1 DMK के बारे में। सो मैं पर्सनली रोलैंड का यूज़र रह चुका हूँ, आई थिंक 2009 से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, 2009 से मेरे पास वी ड्रम्स है। सो ये जो किट है ये बेसिक ड्रमर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किट है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और इसके अंदर सबसे बेस्ट बात यह है कि आप इसको कभी भी प्ले कर सकते हैं, लाइक आप इसको रात में प्ले कर सकते हैं, कभी कोई सो रहा है तो भी आप इसको प्ले कर सकते हैं, लाइक उसको सिर्फ टक 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 ऐसी आवाज़ आएगी, शोर नहीं मचेगा जो कि ड्रम्स वाला होता है, जो धुम धुम धार की देंगे, लाइक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती उससे, लाइक आपके पड़ोसियों को या फिर किसी को भी, इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, आप इसको कभी भी लाइक फोल्ड कर सकते हैं, लाइक ऐसे या फोल्ड कर सकते हैं, इसको फोल्ड करके आप कहीं भी रख सकते हैं, ये सब अंदर चले जाते हैं, लाइक बहुत कॉम्पैक्टली आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो ये जो किट है ये आता है 4 pads, 2 cymbals, 1 hi-hat बेस ड्रम एंड अ हाई हैट कंट्रोल पेडल के साथ। मैश स्किन से हमें ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर जो रिबाउंडेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की आती है। इसका बेस ड्रम जो है वो एक वाइड बेस है जिसके अंदर आप डबल बेस भी यूज़ कर सकते हैं। इस किट की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमें इसके अंदर माइक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक हमें हर जगह हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए माइक नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए होता है जो कि हमें मॉड्यूल की तरफ देना होता है, और दूसरा चाहिए होता है हमें साउंड कार्ड की तरफ। हमें फिर डायरेक्ट इनपुट मिलता है अपने लैपटॉप के अंदर, जो कि हम इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं विद ओनली वन सिंगल वायर। तो आइए चलते हैं इसके मॉड्यूल की तरफ। इसके मॉड्यूल में सबसे पहले हमें मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम बटन, टेम्पो, आपको किट जो सेलेक्ट करनी है और इससे बैक जाने के लिए किट की तरफ, और फिर आता है इसके अंदर सिलेक्शन, ये है ड्रम्स के लिए। फिर आता है टेम्पो, लाइक अगर मुझे टेम्पो के साथ प्ले करना है। कोच फीचर में जाके आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है सॉन्ग। सो अगर मैं सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर सॉन्ग प्ले होगा, हमें उसके साथ ड्रम्स प्ले करना होगा लाइक दिस। सो ये था TD-1 DMK का रिव्यू, और अगर आपको मेरी तरह ड्रम कवर्स रिकॉर्ड करने हैं तो ये किट आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।